हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव फॉलो मी। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कुछ हटका होने वाले है डेफिनेटली, सो इसीलिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नीचे गुड कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे एक बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, राजमा चावल का जो रेसिपी है वही ये वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डेफिनेटली जितना राजमा आपको चाहिए वो राजमा आप 24 घंटे पानी में भिगो के रखिए और फिर कुकर में डाल दीजिए बॉयल होने के लिए। साथ में सॉल्ट, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए और बॉईल करने के लिए पानी ऐड कर दीजिए और 2 से 3 विसल वेट कीजिए। उधर पेस्ट रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। मिक्सिंग जार में ये सब मैंने ऐड कर दिए है, एक बड़ा सा मीडियम साइज ऑनियन भी और एक बड़ा साइज टमाटो। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है। उधर कुकर में मेरा राजमा भी रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से राजमा पक गया है। कढ़ाई में मैंने 4 स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिए है और गर्म होने तक इसे वेट कीजिए। गर्म होने पे वो पेस्ट आप ऐड कर दीजिए तेल में और फिर सॉल्ट, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर एंड लास्टली गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स और फिर अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लीजिए। 5 मिनट तक इसे अच्छे से पका लीजिए मसालास को। मसाला पकने में ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लग ही जाएंगे फ्रेंड्स। आफ्टर 5 मिनट्स ये देखिए मेरा मसाला एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं ये जो मैंने मसाला का थोड़ा सा बचा हुआ पानी था वो भी ऐड कर दिए फ्रेंड्स और फिर से अच्छे से मसालों को पानी के साथ मिला रही हूँ। अब 5 मिनट के लिए ढक दीजिए और ऐसे ही होने दीजिए। आफ्टर 5 मिनट्स ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मसाला पूरी तरह से पक चुका है और पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब मैं वो बॉइल्ड राजमा को ये मसालों में ऐड कर दिए फ्रेंड्स और फिर से अच्छे से आप मसालों को राजमा के साथ मिक्स करके कुक कर लीजिए और फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पकाने दीजिए। इससे क्या होगा, राजमा के अंदर वो जो मसाला उसका जो सब कुछ है वो अंदर चले जाएंगे और राजमा जूसी हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब आपको थोड़ा सा चेक करना है कि राजमा सॉफ्ट हुआ है या नहीं। मेरा राजमा फुल्ली पक गया है, सॉफ्ट भी हो चुका है फ्रेंड्स और बस आपका राजमा चावल के लिए राजमा रेडी है। वैसे ये आप हॉट राइस यानी चावल के साथ या तो रोटी के साथ या फिर गर्मा गर्म पराठों के साथ भी आप ले सकते हो। मैंने इसमें एक छोटा सा बटर क्यूब ऐड कर दिए है। कहा था वीडियो अच्छा लगने वाले है, तो अच्छा लगा तो लाइक बनता है, नीचे गुड कमेंट्स
सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटिव फॉलो मी एंड डू फॉलो माय चैनल क्रिएटिव फॉलो मी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, स्टे हेल्दी।